जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए टॉप 3 बेस्ट कैमरा फोन अंडर 20,000 में नवंबर 23 में, जिसमें आपको जो कैमरे की क्वालिटी है वो आपको बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगी, जिसमें आप जो DSLR टाइप से फोटो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैमरा ही नहीं, इसमें आपको जो परफॉर्मेंस इन मोबाइलों में वो भी आपको काफी तगड़ी देखने को मिलती है, जिसमें आप काफी अच्छी गेमिंग भी कर पाएंगे। तो पहले नंबर पर आने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग काफी मेहनत करते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए और आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेट करता है। तो ऐसे हम लोग रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं अंडर 20,000 या फिर अंडर 15,000 में बेस्ट गेमिंग फोन या फिर बेस्ट कैमरा फोन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो पहले नंबर पर हमारा जो मोबाइल आता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord C3 5G होने वाला है। जी आपने सही सुना, जितना बड़ा इसका नाम है उतना बड़ा इसका काम है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा, जिसमें आप जो फोटो क्लिक कर सकते हैं बिल्कुल ही तगड़े तरीके से हो सकती है, क्योंकि इसमें जो फोटोग्राफी है बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है। इसमें जो पोर्ट्रेट फोटो आपके होंगे उसमें भी काफी अच्छी क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी, इसमें आपको जूम भी देखने को मिलेगा। तो इसका जो कैमरा है वो आपको कभी भी डिस्पॉइंट नहीं करेगा। बात करते हैं इसके हम लोग परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको काफी तगड़ा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 695 स्नैपड्रैगन का होने वाला है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, जिसमें आप जो गेमिंग है वो भी आपकी काफी तगड़ी है आपका करवा देगा प्रोसेसर। अब हम लोग इसमें बात करते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि एक मोबाइल में डिस्प्ले बढ़िया होना ये भी काफी अच्छी बात होती है मोबाइल के लिए, क्योंकि इसमें आती है आपको 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, जो कि 17.07 सेंटीमीटर हाई मतलब बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको 67 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी 5000mAh बैटरी को काफी जल्दी चार्ज भी कर देगी। जो इसकी जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको कभी भी डिस्पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो 5000mAh बैटरी है बैटरी बैकअप है वो आपको काफी तगड़ा देखने को मिलता है। बात करें इसके लुक की, तो इसमें आपको बैक ग्लास आपको देखने को मिलता है, जो कि इसकी प्रीमियम क्वालिटी को काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी करंटली प्राइस की, तो इसकी जो करंटली प्राइस होने वाली है वो अमेजोन पे 19,999 होने वाली है। अगर इसमें ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड लगाएंगे तो इसमें आपको 1,500 रुपए कम देखने को मिल जाएंगे, जिसकी इसकी प्राइस आपको 18,499 रुपए देखने को मिल जाएगी, जो कि OnePlus की तरफ से काफी अच्छी डील होने वाली है। तो दूसरे नंबर पे हमारा Realme की तरफ से होने वाला Realme 11 सीरीज का Realme 11 5G। बात करते हैं इस मोबाइल के हम लोग चिपसेट की, तो इसमें आपको Dimensity का काफी तगड़ा 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, 5000mAh आपको इसमें बैटरी देखने को मिलती है, और इसका जो स्टोरेज है वो आपको काफी फास्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसका कैमरा एक्सपीरियंस की, तो इसमें आपको काफी तगड़ा कैमरा देखने को मिलता है बिल्कुल ही OnePlus तरह का। इसमें भी आपको 108 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा देखने को मिलता है, इसमें आपको 3x का ऑप्टिकल जूम आपको देखने को मिलता है, जो आपकी जूम क्वालिटी भी आपकी काफी तगड़ी होने वाली है। इसमें आपको 67 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, जो आपकी 5000mAh बैटरी को काफी जल्दी चार्ज भी कर देगी। बात करते हैं इसके हम लोग करंटली प्राइस की, तो इसकी भी करंटली प्राइस हम लोग को 18,999 रुपए देखने को मिल जाती है, जिसमें हम लोग को दो कलर देखने को मिलते हैं। 256GB का वेरिएंट जो है वो आपको 19,999 रुपए देखने को मिल जाएगा। तो तीसरे नंबर पे हमारा वीवो की तरफ से होने वाला है वीवो का T2 Pro 5G, जिसमें आपको काफी तगड़ा मोबाइल देखने को मिलेगा। इसकी जो प्राइस है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, तो हम लोग पहले इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी प्राइस आपको 24,000 देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड लगाएंगे तो आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस आपको 21,999 रुपए देखने को मिल जाएगी, जो कि इन दोनों मोबाइल से जो मैंने पिछले आपको दिखाया था उससे ज्यादा तगड़ा मोबाइल आपका होने वाला है। क्यों होने वाला है, तो आप हम लोग इसके हम पढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन। तो पहले नंबर पर हमारी जो इसकी डिस्प्ले आती है वो आती है आपकी कर्व डिस्प्ले, 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके अगर हम लोग परफॉर्मेंस की, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको इन दो जो मैंने पहले मोबाइल दिखाया था उससे ज्यादा इसमें आपको तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि Dimensity का 7200 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके अगर हम चार्जिंग वगैरह की, तो इसमें आपको काफी तगड़ी चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि 66 वॉट की फ्लैश चार्ज आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी 5000mAh बैटरी है उसको काफी जल्दी चार्ज भी कर देगा, क्योंकि आपको जो 5000mAh बैटरी है उसका बैटरी बैकअप भी आपको काफी तगड़ा इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस कैमरे की, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का OIS एंटी शेक कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ऑरा लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी नाइट फोटोग्राफी काफी तगड़ी होने वाली है। इन दोनों मोबाइल से काफी तगड़ा इसका कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगर हम लोग कंक्लूजन की, देखो सिंपल कंक्लूजन है, कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आपका बजट 18,000 रुपए या फिर 18,500 का आपका बजट हो रहा है तो आप रियलमी का भी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि रियलमी भी आपको काफी अच्छा कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन उसमें आपको जो डिस्प्ले है वो IPS देखने को मिलती है, हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है, जो कि 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है, डिजाइन वगैरह आपको उसमें काफी अच्छा देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप चार्जिंग भी आपको काफी फास्ट उसमें देखने को मिल जाती है। बात करते हैं अगर हम लोग 20,000 का अगर आपका बजट है तो आप OnePlus का भी ले सकते हैं, क्योंकि जो OnePlus का मोबाइल
12 है उसमें आपको स्लाइटली थोड़ा सा बेटर आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा रियलमी के मुकाबले, क्योंकि जो रियलमी कैमरा आपको थोड़ा सा 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा, वन प्लस का आपको थोड़ा अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा। वही जो मैंने आपको तीसरे नंबर पर मोबाइल बताया है वो मोबाइल वीवो की तरफ से होने वाला है, जिसकी प्राइस आपको मैंने बताई थी 24,000 रुपए होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं 24,000 मोबाइल कैसे लिया है, देखिए उसमें जो आपका डिस्काउंट लगेगा वो 2,000 रुपए का ICICI बैंक का लगेगा, जिसमें आपको जो 2,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस आपको 22,000 रुपए देखने को मिलेगी मोबाइल की। तो 22,000 में अगर आप 2,000 रुपए और इन्वेस्ट करिए तो काफी बढ़िया आपको मोबाइल देखने को मिलेगा, ऑलराउंडर काफी अच्छा मोबाइल आपको देखने को मिलेगा हर मुकाबले अच्छे में। मतलब इन जो मैंने मोबाइल बताए थे आपको दो रियलमी वन प्लस का, उन दोनों के मुकाबले आपको काफी तगड़ा वो मोबाइल देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है उसकी डिस्प्ले। उसमें आपको 120Hz की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि जो मैंने वन प्लस और रियलमी के मोबाइल दिखाए थे इन दोनों में आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो वीवो का उसमें आपको 120Hz की टर्बो एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वो भी कर्व्ड डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। कैमरा उसमें आपको इन दोनों से ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, लुक वगैरह आपको इन दोनों से ज्यादा उसमें अच्छा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइस आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है, तभी आपको सारी चीजें 2,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए और सारी अच्छी चीजें आप ले लीजिए वीवो मोबाइल में। उसमें जो आपको परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफी तगड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें जो Dimensity का काफी तगड़ा प्रोसेसर आपको लिटरली काफी बढ़िया प्रोसेसर उसमें आपको डाला गया, जो कि 5G प्रोसेसर होने वाला है ऑफ कोर्स। तो काफी तगड़ा मोबाइल वीवो की तरफ से जो मैंने आपको बताया है V2 Pro 5G वो आपको काफी बढ़िया मोबाइल देखने को मिलेगा 2,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट और करेंगे। अगर आपके पास ICICI बैंक का कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो नहीं है तो किसी दोस्त के या भाई वगैरह से आप पूछ लीजिए, लेकिन अगर आपके पास वो बैंक कार्ड नहीं है तो आपको उसकी प्राइस जो है वो 24,000 देखने को मिलेगी। और अगर आपका बजट 20,000 रुपए तो आप वन प्लस का ही लीजिए, अगर आपका बजट 18,000 रुपए तो आप रियलमी का लीजिए, क्योंकि वो दोनों मोबाइल भी अपनी जगह पे काफी तगड़े मोबाइल होने वाले हैं। कैमरे आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे इन तीनों मोबाइलों में, जो वीवो में वो आपको काफी अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा इन दोनों के मोबाइल के हिसाब से। तो यही था इस वीडियो में, अगर इन तीनों मोबाइल के बारे में आपको कोई भी जानकारी पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे 24 आवर रिप्लाई आपको करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब में काफी मोटिवेट करता है, तो शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।